हरे से पीला हो गया। बड़ी विचित्र बात है, वही आम जब पाल में रखने पर, पाल समझ में आया ना, हरा आम, वही हरा आम पाल में रखने पर, नीम के पत्तों में रखने पर, पकाने का एक तरीका होता था, नीम के बहुत सारे पत्ते और उसमें आम रख देते थे, हैं? आजकल तो कारपेट से पकड़ते हैं, और कारपेट से भी खतरनाक आ गए आजकल जहर पाउडर, सिर्फ पाउडर उस पर छिड़क देते हैं थोड़ा सा, या पानी में घोल के, और पाउडर पानी में घोल के एक एक आम, केले के, केले के पूरा उसका अपना ग्रुप पूरा का पूरा डाल के और यूँ निकाल के रखते जाते हैं, और वो 10 मिनट में पक जाते हैं, इतना खतरनाक जहर रहता वो। लेकिन गजब की बात यह है कि ये नीम कड़वी है, कड़वी नीम के पत्तों के बीच में रह करके भी आम कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है बोलो अम्माओ, आम नहीं खाया आप लोगों ने? हाँ, समझने की बात है, मतलब है कि उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो नहीं छोड़ा, नीम नीम है वो, कड़वी रहो, कड़वी नीम के बीच में रह करके भी आम मीठा हो जाता है। और ये जो जहर आते हैं ना, ये जहर कोई मीठे नहीं होते, ये जहरों में भी अगर आम डुबाएं या केले के वो रख दें, वो भी सब चीज़ें कड़वी होती हैं, खतरनाक होती हैं लगभग, फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अपना स्वभाव नहीं छोड़ने के बाद भी इस भौतिक ढंग से जो उनको प्रभावित किया है, नीम तो फिर भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ये जो होता है आजकल पाउडर तरह तरह के, क्या बोलते इसको, प्रिजर्वेटिव, इस टाइप से पदार्थ की मर्यादा बढ़ाने वाले तरह की जहर ही है वो, तो शरीर के लिए भी नुकसान करते हैं। क्योंकि हमें उसके खाने पीने का नुकसान फायदा नहीं बताना है, बताना सिर्फ ये है कि पर्याय कैसे बदल रही है। लेकिन एक बात है, हम उसमें खाने के नुकसान भी समझ सकते हैं, वो प्राकृतिक रूप से तैयार हुआ था तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो रहा था, और अप्रकार दूसरे ढंग से तैयार किया गया तो नुकसानदायक साबित हो गया। दूसरी बात, वही नीम के पत्तों में रह करके जब हरे से पीला हुआ और खट्टे से मीठा हुआ तो खाने के काम आ रहा था। सफ़ेद सफ़ेद आम अंदर से सफ़ेद होता है, कच्चा आम पकने के बाद पीला होता है, वो सफ़ेद आम नीम में रख कर के भी पका तो खाने के काम आ रहा था, लेकिन कच्चा आम तुम खाओ और फिर पीला पीला होके निकले तो किस काम आता है? आदमी भी आम खा जाए ना कच्चा वाला, सफ़ेद चीज़ खाएगी तो भी निकलते वक्त कैसा होके निकलता है सब शरीर में से, दूसरे दिन सुबह जब जाओ आप शुद्धि को तो सब पीला बन के निकलेगा, तो अब किस काम का है? ये एक पर्याय इस ढंग से बदली, दूसरी पर्याय उस ढंग से बदली, लेकिन पर्याय तो बदल रही हैं। एक पर्याय में हमारा राग हो रहा है, दूसरी पर्याय में घृणा हो रही है, और ज्ञानी कहता है कि पुद्गल तो पुद्गल है। जैन तत्व बोध बहुत ही गंभीर है सज्जनों, अपरिचत सहावे नुपादब्बय धुवत संचुत्तम गुणवम च सपज्जायम जम तम दब्बत्ति उच्चन्ति। गुण पर्यायात्मक द्रव्य है, और सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, कोई भी द्रव्य अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता है। दादाजी के मर जाने के बाद भी कोई आत्मा खत्म नहीं हो जाता है, वो आत्मा तो जाएगा, जैसा आश्रय बंध किया होगा वैसी पर्याय में जाएगा। और पुद्गल, आप कहोगे शरीर तो जला दिया ना, तो वो तो खत्म हो गया शरीर, यूं जल करके खत्म हो गया, लेकिन उस संबंधी द्रव्य खत्म नहीं हुआ है, वो कुछ मिट्टी बन गया, कुछ राख बन गया, कुछ भाप बन गया, कुछ पानी में मिल गया, कुछ वायु में मिल गया, कुछ रेत में धूल में मिल गया,
वो भी है, कुछ और बन के तैयार हो जाएगा। तो हम अपने स्वभाव की दृष्टि करें, बहुत आकुल व्याकुल रहते हैं हम, और क्रोध आदि कसाएं तो नुकसानदायक हैं ही, लेकिन इंतजार और स्मरण भी आत्मा के लिए घातक ही है एक तरह से। अगर हम इंतजार कर रहे हैं ना, किसी का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़े इंतजार के इंतजार में क्या मजा होता है जी, बोलो श्रेणिक है? एक तरह की आकुलता ही तो होती है, और क्या होता है। लोगों ने उसे भी कह दिया, लो ये मजा लो, ये मजा है कि आकुलता है, आकुलता को भी अच्छा समझ रहे हैं। संसार और संसार की चीजों में तो आकुलता ही है ना, तो इंतजार भी एक तरह की आकुलता है, व्याकुलता है। किसी चीज को खोजना, ढूंढना, इच्छा करना, और उसके बिना संसार चलता नहीं है। और एक बात है निश्चित समझो कि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वह आपका नहीं है। क्या समझे? आप कहो कि कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी, अरे हम इंतजार तो उसी का करते हैं जिसे हम अपना समझते हैं। आप उसे अपना समझ सकते हो और वो भी आपको अपना समझ सकता है, लेकिन आपका हो सकता नहीं। बात प्रक्षालन करना है आज, और भाई साहब आ गए हैं और अब श्रीमती जी का इंतजार कर रहे हैं, अनाउंस करवा रहे कि बुलाओ बुलाओ, नाम लेके बुलाओ कि इनको बुलाओ कि उनको बुलाओ। तो ये इंतजार में क्या हो रहा है? चूंकि आप उनको धर्म से जोड़ने वाली भावना वाले हैं इसलिए भाव शुभ हैं, लेकिन इंतजार में है तो आकुलता ना। फिर देखते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं, इधर दूसरे लोग कह रहे हैं कि टाइम हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। आकुलता तो होती है, इंतजार में आकुलता ही है, वो भी सुख नहीं है। और जिसका इंतजार करते हैं ना वो हमारा नहीं है। हमारा मतलब वो व्यवहार में हमारा हो सकता है, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो मैं हूं सो उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसका इंतजार किया जाता है वह मैं नहीं होता, वो कोई भी होगा, मुझसे भिन्न होगा। चाहे आप उसे कितना चाह रहे हो, कितना अपना मान रहे हो, कितना इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो जो होगा वो दूसरा ही होगा। इसी पागलपन में ना लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, मर तक जाते हैं, कसाय कर डालते हैं। अरे भाई इस बात को समझो, क्यों तुम किसी पर स्वामित्व करना चाहते हो? ना किसी को अपना स्वामी बनाओ और ना तुम किसी के स्वामी बनो। अध्यात्म की दृष्टि ये है, अगर तुम किसी के स्वामी बनते हो तो उसको पराधीन करते हो, उसको गुलाम करते हो। और अगर तुम अपने पर किसी का स्वामित्व हावी होने देते हो, इसका मतलब तुम पराधीन होते हो, गुलाम होते हो। जबकि वस्तु व्यवस्था यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, पुद्गल स्वतंत्र है, भले भले अपने ही अज्ञान से, मिथ्यात्व से असमान जाति पर्याय बनी हो, लेकिन है तो भिन्न। समझ में आ रहा है? लेकिन हम कहाँ, ये जो अभी चल रहा ना खटपट जबरदस्त कि अध्यक्ष बनना है कि सीएम रहना है, दम कुछ नहीं है, मतलब इस मामले में दम कुछ नहीं है। बात इतनी सी है कि किस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा मेरा स्वामित्व रहेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्वामित्व के में इतने बड़े राज्य का स्वामी, कितने बड़ी पार्टी का मालिक, कितने बड़े देश का स्वामी, ज्यादा से ज्यादा स्वामित्व कैसे रहेगा?
बस उसी के पीछे सारा क्रांति और सारा आंदोलन है। अगर ये समझ में आ जाए कि कोई भी स्वामित्व शाश्वत नहीं रहता, और मैं अगर स्वामित्व कर रहा हूं तो ये मेरी भूल है, क्योंकि मैं अपने अलावा किसी और पर वास्तव में स्वामित्व कर ही नहीं सकता। तुमने जिसका जिस पर स्वामित्व किया, तुम्हारे स्वामित्व करने के बाद भी वो तुम्हारे हो गए क्या? अमुक लोग हैं, मान लीजिए कि आज वो स्वामी हैं, राजस्थान के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे स्वामित्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव होते ही दूसरे लोग स्वामित्व महसूस करने लगते हैं। चाहे ये स्वामित्व महसूस करें और चाहे वो स्वामित्व महसूस करें, जनता पर किसी का स्वामित्व होता नहीं है। वो अपने अपने में मगन है, सब अपने में मस्त है। ऐसे ही हम पदार्थों पर स्वामित्व करते हैं ना, पदार्थ पदार्थ ही रहते हैं। और एक बात और है कि हम पदार्थों पर स्वामित्व करते हैं, लेकिन पदार्थ हम पर स्वामित्व घोषित नहीं करते। वो जड़ हैं, वो घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो अपने कब्जे में ले लेते हैं हमारी सोच को, हमारी शक्ति को, और एक तरह से हम उनके गुलाम हो जाते हैं। जड़ की गुलामी तो है कि मैं बिना तंबाकू खाए नहीं रह सकता, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, ये घोषणा तो नहीं की कि मैं तेरा स्वामी, लेकिन क्योंकि वो जड़ है वो घोषणा नहीं कर सकता, फिर भी तूने पराधीनता स्वीकार कर ली। जरूरी नहीं है कि इंसान चेतन का ही गुलाम हो, इंसान तो इतना भोंदू हो सकता है कि जड़ की भी गुलामी करने को तैयार हो जाए। और इस जमाने में ना चेतन के गुलाम कम मिलेंगे, जड़ के गुलाम ढेरों ढेरों। आत्मार्थी सज्जनों, अपन चेतन की गुलामी करें। तो चेतन की गुलामी में दो रूप हो सकते हैं कि या तो हम लोगों की चापलूसी करें, एक रूप। दूसरा इसका एक रूप हो सकता है कि आप अपने परिवार को ठीक ढंग से हैंडल करें, संभालें, सबकी बात सुने, माने, दूसरा रूप। और तीसरा जो विशेष रूप होता है कि सचेतन देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के उनकी आज्ञा का पालन करें। ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन वास्तव में सबसे बढ़िया रूप तो ये होगा कि गुरु राज के माध्यम से सन्मार्ग को समझ करके आप अपने में ही डूब जाएं, अपने ही स्वस्वामी हो जाएं, तो आपका कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। बात तो बहुत जबरदस्त है, अब इस पर अपन जम पाए ना तो आनंद हो। हम किसी का इंतजार क्यों करें? मामा जी आओ मत आओ, काका जी आओ मत आओ, देव जी आओ मत आओ। अगर हम इंतजार करते बैठे हैं, इसका मतलब है क्या? आकुलता कर रहे हैं हम? हमें आकुलता क्यों करना चाहिए भाई? उनकी जब योग्यता होगी, जब उनकी गाड़ी का पेट्रोल भर जाएगा और जब उनको आना होगा तो आ जाएंगे, तुम क्यों परेशान हुए जा रहे हो? लेकिन इतना अपन धैर्य रख कहाँ पाते हैं? इतने में तो अगर कोई जरूरी काम है तो चार बार फोन कर लेंगे, तो कब तक पहुंचने वाले हो? कहाँ तक पहुंचे हो? अरे आपको पहले कह दिया था इतने बजे का टाइम है। और आकुलता करेंगे, यानी ये आकुलता ही दुख है। आप अपने कर्तव्य करिए, लेकिन आकुलता से बचिए। और किसी के लिए जो आकुलता करते हैं वो कोई आपका हो नहीं जाता। आप दुनिया में देखो इसको और आज की करने वाले लोगों का हाल देख लो आप, कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। वो तिराहे पर चौराहे पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि अब अमुक रंग वाली स्कूटी निकलने ही वाली है। दुनिया कैसे चलती है? बस अब अमुक तरह की गाड़ी निकलने ही वाली है,
अब बस काली छूटने का टाइम हो गया, और अब ऐसे ही चलता है ना संसार में। लेकिन इसमें तेरे को फायदा क्या हो रहा, जो तेराहे चौराहे पर खड़ा खिड़की के पास खड़ा हुआ यूं आंखें धुंधली किए जा रहा है, से लाभ क्या हो रहा है? अभी तो परिणामों को नुकसान ही हो रहा है। भाव को संभालो तो भाव संभल जाएंगे, भाव को बिगाड़ो तो भाव बिगड़ जाएंगे। इसमें नफा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए ज्ञानी तत्व को समझना कि द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, हमारा चैतन्य गुण स्वभाव वाला ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्मा भी अपने परिणमन को छोड़ने वाला नहीं है। फिजूल में हम पर पदार्थ की, अन्य असमान जाति पर्याय वाली व्यक्तित्व की फिकर चिंता या इंतजार करने में अपना उपयोग न बिगाड़ें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और इंतजार ही करना है तो खुद की निर्मलता का करें, शुभोपयोग का करें। छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह द्रव्य हैं और सबका अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना वर्चस्व है, सबकी स्वतंत्रता है। और उन सब में मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, इसलिए स्मरण करना है, अनुभव करना है तो अपनी चेतना का करिएगा, इससे मंगल होगा। सुबुद्ध सागर जी महाराज संघ में एक अच्छे साधक थे, मंदसौर में समाधि हुई थी। समाधि के वक्त एकदम एंड टाइम पर उनको कहा कि आपने तो समय सार का स्वाध्याय किया है, अंदर स्वाध्याय करके आए, बाहर चबूतरे पर बैठ गए, वो तो देखा कि बैठ गए क्या लेट गए, तो मालूम पड़ गया कि भाई दो तीन दिन से अस्वस्थ हैं, 80-85 के हो गए तो जाएंगे, तो उनको संभाला और उनको कहा कि बताइए आप, सुनाइए कुछ समय सार से क्या सीखा। तो उनने कहा अहमे को खलु सुद्धो दंसन नान मयो सदा रोवी नभी अर्थ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। और इतना स्मरण करते करते समाधि मरण हो गया। तत्वाभ्यास का ये फल होता है कि हमें खबर बनी रहती है और हम विचलित नहीं होते हैं। इसलिए इस मार्ग पर बढ़ें, कल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।